गाइस कैसे हो आप लोग। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो टेक न्यूज। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आईक्यू 7 लेजेंड में BGMI की परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक गेम प्ले करते हो तो आपको लैग देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है। तो सिंपल आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो अगर आप नया आए हो गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर तो ऑब्वियसली क्लिक करना और हां लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस यहाँ पर अगर आपको बताऊँ परफॉर्मेंस के बारे में तो परफॉर्मेंस 888 है। सिंपल आपको बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक बैटरी देखने मिलेगा तो ये आप गलत समझ रहे हो गाइस। यहाँ पर आपको अगर आपको बताओ एकदम लॉन्ग टर्म तक आप 5 आवर्स तक स्टिक स्मूथ एक्सट्रीम तक गेम प्ले कर पाओगे, क्योंकि मैं जहाँ तक लास्ट टाइम किया था तो 4 आवर्स तक किया था गाइस, बहुत ही मजा आया था। और बीच बीच में मैंने क्या किया था, HDR भी ट्विक किया था, HD भी कर रहा था, तो मेरा 4 आवर्स तक चला था गाइस। ठीक है, अगर मुझे मिलता है उसका स्क्रीनशॉट तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा गाइस, इन ओवर में नहीं कर पाया। अगर देख रहे हो तो गाइस बहुत अच्छा मुझे गेम प्ले लगा इसका, इतना बेकार वीक नहीं है जैसा लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक ठाक आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम में खेलते हो, आपका नेटवर्क स्टेबल रहता है, तो और ज्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने बैटरी बैकअप BGMI के लिए। तो अब आते हैं गाइस इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, स्मूथ 60 FPS मिलता है नहीं, अगर 90 FPS आएगा तो क्या 90 FPS संभाल पाएगा, क्या ही कहो गाइस आपको। अगर 888 है यहाँ पर और यहाँ पर आपको द मोस्ट पावरफुल GPU मिलता है आपको किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, तो आप 60 के आप 90 120 FPS वाले भी गेम खेलोगे ना गाइस तो बहुत स्मूथ आपको मिलेगा। यहाँ पर 60 FPS गाइस मेरे लिए तो अभी तक एक लैग नहीं मिला गाइस। मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ HDR एक्सट्रीम के लिए, कई बार एडिटिंग के लिए मुझे लगता है रिकॉर्डिंग, तो गाइस बहुत ही चिपक के 60 FPS देता है। और अगर आपका नेटवर्क खराब है ना गाइस तो कोई भी स्मार्टफोन आपका बजा नहीं पाएगा आपको उस लैग को। तो 12 प्रो मैक्स भी क्यों ना गाइस आपका स्मार्टफोन लैग होगा, बिकॉज ऑफ आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है। अगर आपका स्मार्टफोन हीट होता है तो आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देगा, लेकिन ये इतना पावरफुल है गाइस 888 कि वो डिग्रेड करता है तो पता भी नहीं चलता कि आपका स्मार्टफोन डिग्रेड कर रहा है परफॉर्मेंस। मुझे ब्राइटनेस ड्रॉप अभी तक देखने को नहीं मिला इसके अंदर, यूट्यूबर्स को पता नहीं दिख रहा है वो, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम लोड डाल रहे हैं उनके ऊपर, बैक टू बैक उनमें एंड्रॉइड रन कर रहे हैं या फिर CPU को थ्रॉटल कर रहे हैं, गेम बेंच स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। मैं सिर्फ एक BGMI खेल रहा हूँ और तो ऐसे रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ बस इतना ही, उससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है गाइस। तो बैटरी बैकअप अगर आपको बताऊँ कि गेम प्ले में कैसा है गाइस, अगर आप एक TDM खेलते हो स्मूथ एक्सट्रीम के ऊपर तो आपका 3% की बैटरी जाएगी, और 3% एक BGMI और एक स्मूथ एक्सट्रीम TDM तो मुझे ठीक ठाक लगता है, और चार्जिंग भी इवन 25 मिनट्स में फुल हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि बैटरी के लिए अगर आप सोच रहे हो तो आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी गेम लैग गाइस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत एक्सट्रीम परफॉर्म करता है गाइस, आई एम रियली सॉरी। सो अगर आपको बताऊँ रिकॉर्डिंग के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है गाइस, रिकॉर्डिंग के साथ मुझे लैग देखने को मिले हैं गाइस कई बार, जब मैंने HDR एक्सट्रीम बूट कैम लैंडिंग करा है, लैंडिंग के वक्त नहीं गाइस, कई बार बीच बीच में हल्का से फ्रेम ड्रॉप्स हो जाते हैं गाइस रिकॉर्डिंग HDR एक्सट्रीम में। स्मूथ में करेगा तो 60 FPS चिपक के मिलेगा गाइस आपको, एकदम चिपक के मिलेगा, ऐसा लग रहा है आपने स्मार्टफोन को मिठाई खिला के रखा है और वो खा रहा है एकदम मीठा मीठा और आपको FPS दे रहा है वो, तो बहुत बेहतरीन चलता है गाइस। अगर आपका स्मार्टफोन हीट होता है तो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, और हीट भी होगा तो आप अगर रख देते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए आपका स्मार्टफोन एकदम ठंडा जैसे पहले था ना नॉर्मल, मतलब जो आपका रूम टेम्परेचर रहेगा उसके हिसाब से वो बेस्ट हो जाएगा, एकदम आइडियल हो जाएगा। तो हीटिंग इश्यूज मुझे इसमें देखने को ऑब्वियसली मिले हैं, लेकिन उतने ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है कि हाथ में मतलब अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, मुझे गेम खेलते हुए अनकंफर्टेबल लग रहा है, रख देता हूं तो बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है गाइस। तो BGMI के लिए आप ले सकते हो गाइस ऑब्वियसली, अगर आपका नेटवर्क खराब है तो ही आपका ये जो IQOS 7 Legend है लैग करेगा, और ये कई बार इवन बेटर परफॉर्म करता है आपको पता है ROG 5 से। मैंने YouTube पे बहुत वीडियो देखी है गाइस, ROG 5 से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो ट्विक्स, जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत बेहतरीन किए गए हैं, और IQOS 7 में भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला IQOS 7 Legend के ऊपर कि इसमें BGMI की परफॉर्मेंस कैसी है, सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि एक फेस टू फेस बना लूं मैं, जिसमें आपको बता पाऊं कि BGMI की परफॉर्मेंस कैसी है IQOS 7 Legend में। तो
आपको मैंने पूरा चिट्ठा बता ही दिया है गाइस, अगर आपको पता 90 FPS के बारे में तो प्लीज़ वो वाला वीडियो देखना, ऊपर मैंने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाया है उस बंदे का, तो वो बता रहा था कि 90 FPS कब देखने को मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। तो अगर आप सोच रहे थे एकदम रुक के रखे थे कि कोई वीडियो बताए कि BGMI की परफॉर्मेंस कैसी है IQ7 लेजेंड में, तो इस वीडियो के बाद आपकी तो डाउट ऑब्वियसली क्लियर होगी होगी, अगर नहीं क्लियर हुई है तो नीचे बताना, मैं आपसे बात करूंगा। तो That's all for this video guys. Thank you for watching this video. I was Abhishek here and you are watching Technies Shining Off.